गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या क्या है। एक नंबर है, स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं। आंसर है, स्थानीय स्वशासन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें स्थानीय विकास तथा उनसे संबंधित आवश्यकताओं का प्रबंध करने का अधिकार उसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक संस्था द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, स्थानीय स्वशासन का क्या महत्व व आवश्यकता है। आंसर है, स्थानीय स्वशासन से परिवार कल्याण, शिक्षा, बिजली, पानी, पार्कों, सफाई तथा सार्वजनिक कार्य आदि को स्थानीय नागरिकों द्वारा अच्छी तरह किया जा सकता है। स्थानीय स्वशासन में लोगों को स्वयं अपने कार्यों के प्रबंध का अवसर मिलता है। तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में स्वतंत्रता से पूर्व किस अधिनियम में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी। आंसर है, स्वतंत्रता से पूर्व किस भारत में भारत शासन अधिनियम 1919 तथा 1935 में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के 73rd संवैधानिक संशोधन का ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन में क्या महत्व है। आंसर है, संविधान के 73rd संविधान संशोधन कानून 1992 से देश के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज लागू हो जाने से राज्य ग्राम पंचायतों के निर्माण के लिए कदम उठाएगा, जिससे शासन के प्रत्येक स्तर पर जनता अधिक से अधिक शासन कार्यों में हाथ बटाए और अपने पर राज करने की जिम्मेदारी स्वयं ले, ताकि निचले स्तर पर भी समुचित विकास हो सके। क्वेश्चन नंबर 5, बलवंत राय मेहता समिति की पंचायत राज के बारे में प्रमुख सिफारिशें क्या थी। आंसर है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु पंचायती राज संस्थाओं की तुरंत शुरुआत करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक मेहता समिति द्वारा पंचायती राज के बारे में दी गई सिफारिशों में से कोई 2 सिफारिशें लिखें। आंसर है, 1 नंबर, जिला परिषद को मजबूत बनाया जाए तथा ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत की स्थापना की जाए, अर्थात पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर जिला परिषद तथा मंडल पंचायतें हो। 2 नंबर, जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी माना जाए तथा जिला परिषद को समस्त विकास कार्यों का केंद्र बिंदु बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 7, पंचायतों में पंचायती राज की संस्थाएं कौन कौन सी हैं। आंसर, ग्राम स्तर पर पंचायतें, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समितियां तथा जिला स्तर पर जिला परिषदें। 8 नंबर, ग्राम सभा का क्या अर्थ है। आंसर है, ग्राम सभा स्थानीय नागरिकों की आम सभा होती है। ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में जितने भी व्यस्त स्त्री पुरुष के नाम वहाँ की निर्वाचन नामावली में दर्ज हैं, वे सभी इसके सदस्य होते हैं। यह संस्था पंचायती राज की प्राथमिक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 9, ग्राम सभा का कोई एक कार्य लिखिए। आंसर है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किए गए बजट और आगे की विकास योजनाओं पर विचार करके उन पर अपनी मंजूरी देती है और विकास योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण करती है। क्वेश्चन नंबर 10, ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या कितनी है। आंसर, अलग अलग राज्यों में ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 11, ग्राम पंचायत की आय के 2 प्रमुख साधन कौन से हैं। आंसर है, 1, गांव में मकानों पर गृह कर से, और दूसरा है गांव में लगने वाले मेलों, मंडियों और प्रदर्शनी आदि पर लगे कर से। क्वेश्चन नंबर 12, सरपंच का चुनाव किस तरह होता है। आंसर है, सरपंच का चुनाव ग्राम सभा प्रत्यक्ष रूप से करती है।
क्वेश्चन नंबर 13, पंचायत समिति का गठन किस प्रकार किया जाता है? आंसर है पंचायत समिति का गठन खंड या ब्लॉक स्तर पर करने की व्यवस्था की गई है। एक पंचायत समिति में कम से कम 15 और अधिक से अधिक 40 निर्वाचित सदस्य होंगे। इसके लिए पंचायत समिति के पूरे क्षेत्र को प्रादेशिक चुनाव क्षेत्र में बांटा गया है और आमतौर पर 3000 आबादी के ऊपर एक प्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 14, पंचायत समिति का कोई एक प्रमुख कार्य बताइए। आंसर है एकीकृत ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक वानिकी, पशुपालन और मछली पालन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रौढ़ शिक्षा, सहकारिता, कुटीर उद्योग, महिला, युवा और शिशु कल्याण, अशक्त और निराश्रितों का कल्याण आदि कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 73rd संशोधन के प्रावधानों को पढ़ें। यह संशोधन निम्नलिखित सरोकारों में से किससे ताल्लुक रखता है? आंसर में होगा आपका पद से हटा दिए जाने का भय जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को इतना ही बतला करके क्लास समाप्त करती हूँ। अगला क्लास अगले दिन हम लोग देखते हैं। थैंक यू।